ये त्रिरत्न आप देखते हैं कि यहाँ पर एक पीला बुद्ध है और ये नीला नम है और ये संघ है, लाल वाला संघ है। तो ये संघ है, तीन रत्न है, ठीक है। ये तीन रत्न है ये गोले में है और यहाँ पर आग जल रही है। क्या हो रही है? ये आग जल रही है, ये लपटे निकल रही है, निकल रही ना, यहाँ पर ये आग जल रही है। ये तीन रत्न जो है बुद्ध धम्म संघ, तो ये बुद्ध धम्म संघ ये तीन रत्न है और ये तीन रत्न हर वक्त समाधि से हर वक्त शुद्ध होते रहने, समाधि की अग्नि। तो ये समाधि की अग्नि जो ध्यान नहीं करेगा उसके त्रिरत्न शुद्ध कैसे रहेंगे? बुद्ध धम्म संघ कैसे समझ में आएगा? बुद्ध धम्म के कैसे वो समर्पित होगा? तो उसके चित्त के कलेश का पहले समाधि की अग्नि उसको भस्म करती है। तो समाधि की अग्नि चित्त के कलेश को शुद्ध करती है, दृष्टि को खोलती है और तब ये जो तीनों जो है ये त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ हर वक्त जो है तर ताजा रहते हैं। तो ये हमारे हृदय में पूरे बसे रहते हैं। अगर ये श्रद्धा का विकास आपके अंदर हो जाता है, मेरा पति कुछ समय निकालना पड़े, ये श्रद्धा पैदा करनी पड़ेगी और ये श्रद्धा जब आप पैदा करोगे तो निश्चित रूप से आप चीजों का पालन ईमानदारी से करोगे। कि हमारे शिविर में ज्यादातर संख्या परसेंटेज युवाओं की है, ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि आपने ही ये सब विरासत जो है संभाल ली है। एक तरह से हम धीरे धीरे हर एक व्यक्ति ने बूढ़ा होना, हमने बूढ़ा पैदा हुआ वो एक दिन बूढ़ा होगा, है ना। बूढ़े की बीमारी भी लगेगी और मर भी जाएंगे एक दिन, है ना। तो एक ना एक दिन चले जाना है। तो हमारे माँ बाप की जो पुरानी सोच है एक तरह से, तो वो सोच में भी हमें परिवर्तन करना चाहिए। इस सोच में भी परिवर्तन करना है हमने। हम पुरानी पीढ़ी के लोग, है ना, तो पुरानी पीढ़ी के लोग, तो हमने ऐसा ही अपने बच्चों से युवकों से ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो हमारी पीढ़ी की सोच को वो मान के चलेंगे, है ना। वो कभी नहीं चलेंगे। महापुरुषों की दो तरह की मृत्यु होती है, वो क्या कहते थे, एक मृत्यु शरीर से होती है ना। वो तो सबने एक दिन ये शरीर छोड़ना है, सबने एक ना एक दिन शरीर छोड़ना है। लेकिन महापुरुषों की सबसे बड़ी मृत्यु कब होती है? जब उसकी विचारधारा को मार देता है।